नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वार्ड नंबर 6 का कमालगंज सिस्टम से सर्वे बराबर करते चले आ रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं और जाके पूछ रहे हैं, ग्रामीणों से पूछ रहे हैं कि आखिर ग्राम पंचायत में किसकी लहर चल रही है, कौन सदस्य है जो सबसे आगे चल रहा है। तो आज हम खड़े हैं बलीपुर हुसैनपुर नौखंडा में, बिल्कुल हम दोनों गांवों के बॉर्डर पे खड़े हैं और आप जैसा देख सकते हैं भीड़ में आप कितना अच्छा उत्साह लग रहा है। वोटर बड़े खुश हैं, बड़े मजे में हैं कि इनको इनकी मर्जी का प्रत्याशी मिला। तो आइए जानते हैं कि इनकी इच्छा का, इनकी मर्जी का, इनके जो हितों की बात करें, इनके ग्राम का जो विकास करें, ऐसा कौन प्रत्याशी। तो इन्हीं लोगों से पूछते हैं जो यहाँ पर पूरा देख रहे हैं आप, जन समुदाय पूरा सैलाब आ गया यहाँ पर। तो आइए बात करते हैं। पहले सबसे पहले आप बताओ, सबसे अच्छे आप लग रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं, सबसे बढ़िया। पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम? मेरा नाम दीपक है। जोर से बोलो, दीपक। दीपक, इसी गांव में रहते हो क्या? क्या गांव का नाम में रहते? क्या नाम ग्राम का? हुसैनपुर नौखंडा। अब हमें ये बताओ, जो पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी खड़े, तुम्हारी पसंद का कौन सा? भाई से बात हुई, ये देखो कितने उत्साह में है और बड़ा मजे में है और बड़ा खुश है अपने प्रत्याशी के प्रति। अब हम और बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनसे हम पूछते हैं, तुम बताओ। बताओ मतलब जो जिला पंचायत के चुनाव जो चल रहे हैं और हम देखते आ रहे हैं और हम पूरे ग्राम का सर्वे कर रहे हैं, जहाँ तक हमने सर्वे करे हैं, जहाँ तक हमने पूछा है लोगों से, ज्यादातर लोगों की पसंद जो है वो विजय यादव की रही है। ज्यादातर लोगों की पसंद विजय यादव है। तो तहत उसी के तहत लोगों तक जाए, उसी के जब पूछे तब बोलना। अभी पूछा जैसा हम सारे ग्रामवासियों से पूछते चले आ रहे हैं, बराबर सर्वे करते चले आ रहे हैं और जहाँ तक हमें देखा है कि सारे लोग जो हैं उनकी पसंद देख पूछते चले आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी आए। आप बताइए आपकी पसंद क्या है? मतलब विजय भी जो पीछे वो बताओ। तो मतलब जैसे कि आप सर्वे हम सब तरफ करते आ रहे हैं और जनता तो जनार्दन है, वो जिसे चाहे उसे पसंद है कि नहीं? तो हम तो सब सर्वे करते आ रहे हैं और हम एग्जिट पोल भी दिखाते हैं। जैसे आपकी अपनी राय, उनकी अपनी राय, सबकी अपनी अपनी राय, जैसे सबकी अपनी अपनी राय, तुम्हारी क्या राय अपनी बताओ। अधिक से अधिक ये भी नहीं कोई ब्रांडवाद का हो, क्योंकि उम्मीद पिछली बार हुए फिर आ गए पुनः आपके दरबार। अभी तक क्या करते रहे पानदान? अभी ऐसा है, हम बीते जो और गांव है उन गांवों में भी हम सभी ग्रामीणों से बात करी सबने, तो ज़्यादातर हमने सर्वे में यही देखा कि इनकी छवि ज़्यादा बेहतर बताई गई, विजय यादव ज़्यादा बेहतर बताई गई। ज़्यादातर हम जान लो जैसे मुस्लिम बाहुल एरिया है, शेखपुर है, भोजपुर है, इधर भी हम गए, बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े हैं। हमने ये कहा भी उनसे कि हमने यार मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं। तो आइए हम अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे भाई से बात करते हैं। आप बताइए जरा, थोड़ा मतलब जो जिला पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रत्याशी उतर के आए हैं और सब तरह तरह के हैं, आप अपनी राय में तुम्हारे हिसाब से कौन प्रत्याशी सबसे बेहतर है? क्या हमारे हिसाब से आ रहे हैं तो पूर्व बहुमत से उतरने की हमारी अभिलाषा है, तो वो पूर्व बहुमत से आ रहे हैं। बकाया जो हैं तो हमारा कहने मकसद ये है कि ऐसी क्या अच्छाई देखी, इंसान अपने हिसाब से अच्छाई देखता है ना, तो तुमने क्या ऐसी अच्छाई देखी? मतलब हर आदमी अपना कैंडिडेट अपनी पसंद का चुनता है, तो कुछ ऐसा होता है कि हमने ये अच्छाई देखी और वो इसके प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं, तो ऐसी कौन सी अच्छाई? स्वयं जैसे ऐसा है किसी के भले नहीं है तो वो किसी के बुरे भी नहीं। यहाँ पे जैसे वो रहे हैं, अगर किसी की उचित बात थी तो वो उन्होंने उचित ही बात की है, अनुचित बात कभी उनके दिल में आई ही नहीं है। जो कभी अपने दिल में अनुचित बात सोचते हैं, अगर हमारे ग्राम समाज के बारे में आई हो या आम पब्लिक के बारे में आई हो, किसी अन्य परिवार के बारे में आई हो, तो कभी उनने ये नहीं सोचा है कि हम किसी के साथ दुरुपयोग करें। चलिए आइए बात करते हैं हम अपने दूसरे भाई से, तुम बताओ। देखो मैं सरन सिंह कुशवा, ग्राम लगनपुरा हुसैनपुर नौखंडा। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि जैसे होना चाहिए, क्योंकि वो नई पीढ़ी के मान लो जैसे नेता युवा हैं, और एक बार जो सबको अगर चांस मिला एक बार उनको भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। आप थोड़ा बताइए दादा जरा, आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट बेहतर? बहुत सारे कैंडिडेट खड़े,
कैंडिडेट दिया, तमाम खड़े होते हैं। आप ऐसा है, आप कितने हैं मतलब, ये तो सब यूथ है और इस चीज़ को नहीं समझता, आप बेहतर समझते हैं। आप जितने भी कैंडिडेट हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है। और आपको इतनी सूझबूझ है, आप जाने कितने चुनाव करा चुके होंगे अपने जीवन में। तो अब क्या है कि पब्लिक जो है काफ़ी समझदार हो गई है, ऐसा नहीं किसी के कहने से वोट दे, पब्लिक अब अपने हिसाब से वोट देती है। अपना कैंडिडेट तुम्हारा मत अधिकार खुद का है, तो तुम अपने मत अधिकार के हिसाब से, आप जो इतने बहुत से कैंडिडेट खड़े हैं उनमें आपको जिला पंचायत सबसे बेहतरीन कैंडिडेट जो आपकी पसंद हो वो कौन है? हमको हमारे यहाँ 11,000 की लाइन है, अगर जो हटवाएगा उसे वोट मिलेगा। वो हटवाएगा तो कभी, जब पहले आप वोट देंगे नहीं, वो पहले वो बाद में कई बार आया था, हम लोगों को खतरा समझौता हुआ है, किसी ने बाद में नहीं मुड़ के देगा। नहीं नहीं, ऐसा है कि आदमी ये कह देगा तुम हमें वोट दो, उसके बाद हम ये तुम्हारा हटवा देंगे, और बाद में सब वैसे ही होता है। लेकिन फिर भी किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा। तो तुम्हारी नज़र में बेहतरीन तुम्हारे हिसाब से कौन करनी? हमारे यहाँ ये लोकल फाइनली को यहाँ मिलेगा वोट। आप बताना चाहें कुछ, आप बोलो, आप बताओ। यहाँ सारे लोग एक ही मत है जी जी, और यहाँ पर जो है सारे लोगों की एक ही मत है, और बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा खासा रुझान है, और सारे लोग बड़े खुश हैं अपने प्रत्याशी के प्रति, अपने ग्राम के प्रति। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इतना कोलाहल है अच्छा खासा अपने प्रत्याशी के प्रति। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी जगह चलते हैं, आप देखते रहिए यूपी क्षेत्र। बलीपुर हुसैनपुर नौखंडा में अपने बीच अपने चहेते प्रत्याशी को देख लोग फूले नहीं समाए, पर आप कहीं ना जाएं, आप देखते रहें यूपी क्षेत्र न्यूज, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और देखते रहें यूपी क्षेत्र न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।